अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप PTCL के यूजर हैं, आपने PTCL कनेक्शन लगवाया हुआ है और आप अपना बिल पे करने के लिए दूर जाते हैं, जहां ना तो आपके नजदीक कोई दुकान है जहां पर आप अपना PTCL बिल पे कर सकें और ना ही कोई ऐसा बैंक है जहां पर आप अपना PTCL बिल पे करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जैज कैश ऐप इस्तेमाल करते हुए, अपना जैज कैश अकाउंट इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल पर अपने घर बैठकर किस तरह PTCL का बिल पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल इंतहाई आसान सा स्टेप है, आपने इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपका बिल आसानी से पे हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में मौजूद जैज कैश ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपने जैज कैश ऐप इंस्टॉल की हुई है तो ठीक है, अगर आपने जैज कैश ऐप इंस्टॉल नहीं की हुई तो आपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है और वहां से आपने जैज कैश ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो आप जैसे ही जैज कैश ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहां पर एक लॉगिन की ऑप्शन दिखाई देगी। आपने इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल अकाउंट का जो 4 अंकों का पिन कोड होगा, आपने वो यहाँ पर इंटर कर देना है। दोस्तों, आप जैसे ही अपने मोबाइल अकाउंट का 4 अंकों का पिन कोड इंटर करेंगे तो आप अपनी जैज कैश ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, यहां पर देखें कि आपको जैज की तरफ से जितने भी सर्विसेज ये अपने सार्फिन को मुहैया कर रहे हैं वो तमाम की तमाम आपको यहां पर दिखाई देंगी। तो चूंकि हम अपना PTCL बिल पे करना चाहते हैं तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक यूटिलिटी बिल्स की ऑप्शन दिखाई देगी। इस कैटेगरी में आपके सामने बेशुमार इनके यूटिलिटी बिल्स की नंबरिंग दी हुई है। पहले नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद गैस है, इसके बाद वाटर है, इंटरनेट है और टेलीफोन है। दोस्तों, आप जो भी बिल पे करना चाहते हैं आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। चूंकि हम PTCL बिल पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ से टेलीफोन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप जैसे ही टेलीफोन पर क्लिक करेंगे तो आपने आगे आपको मज़ीद दो ऑप्शन दिखाई देंगी। एक तो PTCL लैंडलाइन है, एक PTCL वी फोन प्रीपेड है। तो दोस्तों, आप जो भी बिल पे करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं चूँकि PTCL लैंडलाइन का बिल पे करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों, इसके बाद आपने यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखना है। दोस्तों, आप रेफरेंस नंबर वो लिखेंगे जो आपके बिल के ऊपर आपको दिया गया होता है। दोस्तों, रेफरेंस नंबर लिखने के बाद आपने फेच बिल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जैसे ही फेच बिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो भी बिल होगा, जितनी अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। नीचे यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर मिनिमम अमाउंट पेएबल की ऑप्शन पे दिखाई देती है कि आप अगर ये फुल पेमेंट नहीं करना चाहते और आप कम से कम इतनी पेमेंट भी कर सकते हैं, तो आप जितने पैसे यहाँ पर पे करना चाहते हैं आप उतने पैसे यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं चूँकि यहाँ पर 1000 रुपया पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 1000 रुपया लिख लूँगा। दोस्तों, इसके बाद आपने रिव्यू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जैसे ही रिव्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके बिल की जो भी डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी कि आप इतना बिल पे करना चाहते हैं, इसके अलावा आपका लैंडलाइन नंबर ये है, इसकी ड्यू डेट ये है, ये इस महीने का बिल है और अगर आप ड्यू डेट के बाद बिल पे करेंगे तो आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों इसके बाद आपसे आपके मोबाइल अकाउंट का जो पिन कोड होगा 4 अंकों का, वो आपको यहाँ पर लिखने को कहा जाएगा। और आप जैसे ही अपना 4 अंकों का पिन कोड इंटर करेंगे तो आपका बिल PTCL बिल पे हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप बिल्कुल आसानी से अपना जैज़ कैश अकाउंट इस्तेमाल करते हुए अपना PTCL बिल पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।